Hello and Namaste, myself Suraj Amsal from InMagma, and in this video we are going to continue our topic which is mechanical ventilation. पहले पार्ट में हम लोगों ने सेंट्रिफ्यूगल फैन के बारे में समझा था, सेंट्रिफ्यूगल फैन क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके टाइप क्या क्या होते हैं, फिर उन टाइप्स के एप्लीकेशंस और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखा था. इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर अबाउट एयर स्क्रू ऑफ एक्सियल फ्लो फैंस, या फिर हम एक्सियल फ्लो फैंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई नेम. सो लेट अस स्टार्ट. तो अभी पहली चीज हम ये देखते हैं कि एक्सियल फैन फ्लो या फिर एक्सियल फ्लो फैन होता क्या है. अभी एक्सियल फ्लो बेसिकली क्या होता है कि जब भी इन फैंस में जो भी कंपोनेंट्स आके टकरा रहे हैं तो वो जो कंपोनेंट्स है वो पैरेलल डायरेक्शन फ्रॉम द एक्सिस में ही ट्रैवल करेंगे विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, जैसा हमारे सेंट्रिफ्यूगल फैन में होता था. सेंट्रिफ्यूगल फैन में बेसिकली क्या होता था कि जो हमारे गैसेस के पार्टिकल्स हैं जब वो सेंट्रिफ्यूगल फैन से टकराते थे, उसके इंपेलर से टकराते थे, तो उस टाइम पे बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ आर सेंट्रिफ्यूगल फैन, उस रोटेशन के वजह से हमारा जो गैस पार्टिकल जो भी उनके इंपेलर से टकराया वो रोटेशन करना चाहिए, एक रोटेटरी मूवमेंट करना चाहिए, बट वो जो पार्टिकल है उसका एक खुद का इनर्शिया है, तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टकराने के बाद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटर्न उसको मिले. तो इन्हीं दो के मिक्सअप के वजह से एक टेंजेंशियल मूवमेंट उसको मिलता है, इसके वजह से उसका जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी चेंज हो जाता है, राइट. बट इन एक्चुअल फ्लो फैन ऐसा नहीं होता है. इसमें जब कोई भी पार्टिकल्स फैन से टकराते हैं, ये जो फैन है वो बेसिकली स्ट्रेट होते हैं, फॉरवर्ड कर्व या फिर बैकवर्ड कर्व नहीं होता है, और जब भी इनसे टकराते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि जो गैस पार्टिकल है वो फैन के एक्सियल या फिर हम बोल सकते हैं फैन से पैरेलल की तरफ ही मूव करता है. अभी इसको एक एग्जांपल देके अगर हम समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल आप एक बोल्ट ले लीजिए, जो बोल्ट होता है हमारा, और एक नट ले लें, ठीक है. अभी जो बोल्ट होता है, अभी जो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो बोल्ट है हमारा वो नट के हाफ तक हमने रोल करके रखा है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर बोल्ट एंड दिस इज आर नट, ओके. सॉरी हाँ, तो अभी ये जो नट है और ये जो बोल्ट है, ठीक है, ये जो बोल्ट है अभी आप समझ लीजिए कि इसको ऐसा रोल करके वो चीज को एक हाफ पोजीशन पे लेके आए, ओके. अभी जो ये नट वाला पार्ट है वो एक स्टेशनरी पोजीशन पे अगर वो रोटेट करेगा, ठीक है, अगर ये एक अगर वो इस मूवमेंट में रोटेट कर रहा है आगे की तरफ, तो ये जो हमारा नट है वो आगे की तरफ फ्लो करेगा, राइट, आगे की तरफ मूव करेगा, और अगर उसी पोजीशन में वो बैकवर्ड की तरफ रोल कर रहा है तो वो पीछे की तरफ आएगा. अंडरस्टूड? तो यही मूवमेंट को आप समझने की कोशिश करो कि इसी चीज को समझ सकते हो कि इसी केस में जो एयर स्क्रू फैन है और जो एयर स्क्रू फैन है और उसके जो रेडियल ब्लेड्स है, रेडियल ब्लेड्स का मतलब जैसे कि मैंने बोला कि इसके जो फैंस है वो कर्व नहीं होते, वो स्ट्रेट होते हैं, ठीक है. तो ये जो फैंस है आप इसको समझ लीजिए कि इसी एग्जांपल के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी ये जो ब्लेड है, या फिर जो आप समझ सकते हैं कि इसके जो रेडियल ब्लेड्स हैं, इसको आप नट समझ सकते हैं जो एक जगह पे रोटेट कर रहा है, और जो हमारा एयर है, जो भी हमारा एयर आ रहा है, उसको आप बोल्ट समझ लो जो इसके थ्रू पास होके वो आगे की तरफ जा रहा है या तो पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है. और ये जो चीज है ये एक्चुअली मूव करती है, ओके. और बेसिकली ये जो चीज है अभी जो ये एक्सियल फ्लो फैन है, ये जो इसका जो प्रिंसिपल है इसको और अच्छे से रिफाइन करके इसको एरोडायनामिक प्रिंसिपल बोल दिया गया है. एरोडायनामिक प्रिंसिपल जो कि आज के टाइम पे जो भी एयरप्लेन्स होते हैं उनके जो प्रोपेलर्स होते हैं, उनके जो प्रोपेलर ब्लेड्स होते हैं जो कि हमारे प्लेन्स में यूज है, वो भी इसी बेसिस पे रखा गया है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा एक एक्सियल फ्लो फैन का जो बेसिक डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझिए. अभी इन्हीं चीज को यहाँ पे हम लोग पीपीटी में क्या लिखा है उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो टाइप ऑफ फैन दैट कॉजेस गैस टू फ्लो थ्रू इट इन एक्सियल डायरेक्शन पैरेलल टू द शाफ्ट अबाउट विच द ब्लेड रोटेट्स. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो एयर फ्लो है वो हमारा पैरेलल होता है, जो जैसा हमारे सेंट्रिफ्यूगल फैन में होता था वैसा नहीं, इसमें पैरेलल होता है. एंड द फैंस, जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्या बोल रहा है कि
The fan is designed to produce a pressure difference and hence force to cause a flow through the fan. तो ये जो फैन होते हैं, जैसा कि हमने बोल रखा है, एक बेसिक चीज हमारे वेंटिलेशन में क्या है कि जो एयर फ्लो है वो हमारा इसी के वजह से होता है, एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से हाई टू लो प्रेशर की तरफ हमारा एयर फ्लो होता है। इट इज नेचुरल। तो अभी इसी चीज को प्रोड्यूस, इस प्रेशर डिफरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए इस फैन का यूज किया जाता है। अभी इन देयर ऑपरेशन द एयर मूवमेंट दे क्रिएट इज ऑफ अ लो प्रेशर एंड जनरली रिक्वायर लो प्रेशर इनपुट फॉर ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली इस ऑपरेशन में जो एयर मूवमेंट है वो एक लो प्रेशर क्रिएट करते हैं, और इसमें लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमको लो पावर इनपुट भी देना पड़ता है इस ऑपरेशन के लिए। और जो बेसिक प्रिंसिपल है इस ऑपरेशन का, ये है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एक्सियल फैन इज दैट द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो इज पैरेलल टू द रोटर शाफ्ट। तो जैसे कि मैंने बोला था कि इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जो हमारा एयर फ्लो है वो हमारा ये फैन है इसके पैरेलल में ही जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सियल फ्लो फैन का काइंड ऑफ मतलब, समझ सकते हैं कि एक एक्सियल फ्लो फैन इस तरीके से काम करता है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जाके, ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है हमारे एक्सियल फ्लो फैंस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर में एक इनलेट कोन और इनलेट बेल है जो आप बाहर में देख पा रहे हैं। ये चीज क्या करता है कि जो स्टार्टिंग का जो हेड लॉस होता है वो हेड लॉस ना हो, इसके लिए उसको एक इनलेट कोर और इनलेट बेल दे रखा है। अभी वहां से एयर फ्लो इन, आप देख पा रहे हैं कि वहां से हमारा एयर फ्लो अंदर की तरफ जा रहा है। ये हमारा रेडियल ब्लेड्स है, या फिर आप समझ सकते हैं एक्सियल फैन है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ब्लेड्स जो हैं वो स्ट्रेट हैं, यहाँ पे वो हमारा एयर टकरा रहा है जो भी इनसाइड में, और यहाँ पे एक मोटर है जो इसको रोटेट करवा रहा है, और वहां से जो एयर फ्लो है वो पैरेलली यहाँ से निकल रहा है। और यहाँ पे राइट साइड में भी सेम चीज यहाँ पे दे रखी है। ये यहाँ पे शफ्ट है, ये शाफ्ट है, यहाँ से एयर इन हो रहा है, और ये इनलेट कोन है जैसा कि अभी बताया हमने इस बाहर वाले पार्ट में। अभी आप अंदर ये जोड़ दीजिए, ये हमारा फैन वाला पार्ट है यहाँ पे, ये उसके इम्पेलर्स हैं जो घूम रहे हैं, और वहां से ये गाइड वैन मतलब इस पूरे चीज का, और फिर यहाँ से एयर इन होके इधर से वो एयर आउट हो रहा है जो कि पैरेलली जा रहा है, और ये बाहर की पूरी केसिंग है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं हमारे एक्सियल फ्लो फैन के, ये वो चीज हो गया। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सियल फैन के जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स क्या क्या होते हैं, और फिर उन टाइप्स के क्या बोल सकते हैं हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और हमारे टिपिकल एप्लीकेशन क्या है, उस चीज के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी पहला वाला टाइप क्या है हमारा, पहला वाला टाइप है हमारा प्रोपेलर टाइप, ठीक है। प्रोपेलर टाइप बेसिकली क्या हो रहा है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है प्रोपेलर टाइप के। प्रोपेलर टाइप के पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लो प्रेशर में हाई फ्लो देता है, लो प्रेशर है हाई फ्लो, इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम है, इसकी जो पीक एफिशिएंसी होती है वो होती है हमारी फ्री एयर डिलीवरी मतलब जीरो स्टैटिक प्रेशर के पास, ठीक है। और इसके जो टिपिकल एप्लीकेशंस होते हैं वो हमारे एयर सर्कुलेशन होता है, एयर सर्कुलेशन में इसका यूज होता है, और जो वेंटिलेशन एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट के टाइम पे होता है वहां पे इस चीज को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अभी दूसरा है हमारा ट्यूब एक्सियल। ट्यूब एक्सियल में क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि ये मीडियम प्रेशर पे होता है इसका काम, और इसमें हाई फ्लो मिलता है हम लोगों को, इसकी हायर एफिशिएंसी होती है कंपेयर टू हमारे प्रोपेलर टाइप से, इसकी जो डिप इन प्रेशर है और फ्लो कर्व है वो क्या बोलते हैं पीक प्रेशर पॉइंट से पहले रहता है। और हमारे इसके टिपिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसके HVAC में यूज होता है, HVAC का फुल फॉर्म है हमारा हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो ड्राइंग ओवन्स होते हैं और हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम्स होते हैं वहां पे इसका टिपिकल एप्लीकेशन बेसिकली रहता है। और तीसरा टाइप है हमारा वेन एक्सियल। वेन एक्सियल बेसिकली उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक में पहला है हमारा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में एक चीज हमको देती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, मीडियम फ्लो होता है इसमें, इसका जो इसमें भी डिप इन प्रेशर फ्लो कर्व होता है, इसकी जो गाइड वेन्स है वो इस चीज की जो एफिशिएंसी है उस चीज को बढ़ाती है। अभी इसके कुछ एप्लीकेशंस है, इसके कुछ एप्लीकेशंस क्या क्या है हमारे, जो है हमारा हाई प्रेशर एप्लीकेशन होता है हमारा, जहाँ पे हमको हाई प्रेशर एप्लीकेशंस होते हैं वहां पे जरूरत पड़ती है, जिसमें HVAC सिस्टम्स के भी इंक्लूडिंग होती है, जैसा हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के ऑपरेशन होते हैं वहां पे भी, और हमारे जो एग्जॉस्ट होते हैं वहां पे भी इस चीज का यूज होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सियल फैन। एक्सियल फैन क्या होता है, एक्सियल फैन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, उनके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं,
वो बेसिकली एक्चुअल फ्लो फैन काम कैसे करता है, क्या चीज होती है, इस सब के बारे में इन दिस पार्ट वी हैव कवर्ड. सो इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स इन आवर कमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू यू. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग. सो थैंक यू फ्रॉम माइंड मैग्मा.